ओके गुड लोग, तो फाइनली थंडरबोल्ट्स का ऑफिशियल टीजर ट्रेलर भाई आज रिलीज कर दिया मार्वल ने, जो कि ये वही टीजर है जिस टीजर को हमें दिखाया गया था कॉमिक कॉन में, जो कि मैंने देखा था उस टाइम, लेकिन थोड़ा कुछ ब्लर इमेज था तो मैं ज़्यादा कुछ रिव्यू कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि भाई ब्लर है कैसे ही तुम देख पाओगे, ना ही कोई सबटाइटल्स ना ही कुछ वगैरह वगैरह चीज़, ठीक है। तो अभी ऑफिशियली मार्वल ने रिलीज कर दिया है, क्योंकि भाई टीजर है 3 से 7 मिनट का, तो फिर थोड़ा कुछ वीडियो लंबा जा सकता है, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई पहले तो हमें टीजर के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ये लेना है जो कि हमारे ब्लैक विडो है, क्योंकि भाई उसके बाप के घर जाती है यानी कि एलएसकी के घर, और भाई थोड़ी कुछ बातचीत होती है, एंड देन मैं बताया जाता है कि भाई एलएसकी मतलब जो कि पूछता है हमारी येलेना यानी कि ब्लैक विडो को कि तुम यहाँ पे क्यों आई, क्या कुछ कारण है, तो फिर वो बोलती है मैं भाई अकेली थोड़ी हो चुकी हूँ, क्या है मैं ही कुछ प्रॉब्लम हूँ वगैरह वगैरह चीज़ें ऐसी चल रही थी, नॉर्मल टॉक चल रही थी। फिर नेक्स्ट टू कट सीन हमें दिखाया जाता है कि जो भी बैकग्राउंड वॉइस में हमें जो नया की बातें चल रही होती है, उतने में हमें जो हमारे जॉन वॉल्कर है जो कि हमारे यूएस के एजेंट, उसकी कुछ वो भी बंदा टेंशन में है वगैरह वगैरह हमें चीज़ें दिखाई गई है। फिर एक सीन है जहाँ पे ट्रेलर में हमें स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है कि एक बिल्डिंग के मतलब बिल्डिंग में मुझे लगता है हमला हो चुका है, या फिर बिल्डिंग में बॉम्ब रखा गया था, बिल्डिंग मतलब टूट चुकी है, येलेना दूर से देख रही है। एंड फिर जो हमें नेक्स्ट टू कट सीन है कि एक्शन सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी कूल लगता है, और हमारी ब्लैक विडो वापस आ चुकी है येलेना नॉट है स्कारलेट जॉनसन, तुम्हें अगर याद है तो फिर वो एंड गेम में क्या है तुम्हें तो पता ही है, एंड गेम के बाद उनकी एक और मतलब सोलो फिल्म आई थी ब्लैक विडो में, जिसमें हमें ये इंट्रोड्यूस कराए गए थे एलएस की एंड येलेना, क्योंकि हाँ तो ब्लैक विडो का रोल यही प्ले करेगी। और एंड फॉर रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो बता दो, इस फिल्म की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है हमारे स्कारलेट जॉनसन, जो पहले ब्लैक विडो थी, लाल बालों वाली, एंड भाई मतलब बंदी कितनी कमाल की थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। खैर मैं वापस जाना नहीं चाहता, लेकिन ये ट्रेलर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, मैं कहूँगा कि भाई बहुत ही बढ़िया था, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगा। और भाई हमें थोड़ी कुछ सेंट्री के भी लुक्स दिखाए गए, फिर साथ ही साथ हमें गोस्ट या फिर टास्क मास्टर का भी थोड़े कुछ लुक्स दिखाए गए, क्योंकि काफ़ी बढ़िया थे। लेकिन सेंट्री का जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है ये जो यहाँ पे बंदा जो रखता है ना अपने सूट के ऊपर, उसको क्या कहते हैं, खैर मुझे नहीं पता, तो मैं पता तो ज़रा देखो मैं तुम्हें जरूर बताया था। और भाई हमें थोड़ी कुछ बकी के भी लुक्स दिखाए गए जो कि काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, साथ ही साथ भाई बकी एक गाड़ी का पीछा भी कर रहा है, मतलब बंदे को रोक रहा है जो कि उस गाड़ी में बैठे हुए येलेना एलएसकी, एंड साथ ही साथ हमें एक रूम मिले हैं हमारी यूएस एजेंट जो कि भाई हमारे है, ठीक है, मतलब ये जॉन वॉल्कर जो भी है, ठीक है, जो कि बंदा गाड़ी से कर रहा है वगैरह वगैरह चीज़ें। और हमें जो भाई सवाल था इतने महीनों से कि भाई हम सवाल चल रहे थे मार्वल की तरफ से कि भाई मतलब तुम्हें अगर पता है तो एवेंजर्स टावर किसने खरीदा, मुझे लगा था कि पहले मुझे फैंटास्टिक फोर फिल्म में दिखाया जाएगा कि भाई हमारे रीड रिचर्ड्स ने खरीद लिया, लेकिन ट्रेलर को देख के पता चल जाता है कि भाई हमारे थंडरबोल्ट्स की टीम ने टेक ओवर कर दिया है। आई थिंक मुझे लगता है थंडरबोल्ट्स की टीम ने ही टेक ओवर कर दिया, क्योंकि ये देखो यहाँ पे एक सीन है जहाँ पे वो लोग एवेंजर्स टावर में ही खड़े हैं, आई थिंक वही है, ठीक है, मुझे जितना पता चल रहा है वही है। एंड साथ ही साथ एक सीन है जो कि भाई मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, जहाँ पर मुझे लगता है कोई पार्टी वार्टी चल रही है या फिर कोई ये मतलब लव लव तो नहीं कह सकते, लेकिन ये साथ ही साथ मतलब मुझे लगता है यूएस का कोई या तो कोई म्यूजियम टाइप है, वहाँ पे मतलब लोकी का स्पेक्टर रहता है जो कि लोकी जो हाथ में लेके खड़ा रहता है, जो कि उसको कांच में रखा गया है, तो बहुत ही अच्छा सीन में मतलब दिखाया गया है, उसके सामने कुछ वॉर ऑफ न्यूयॉर्क ऐसा कुछ लिखा हुआ है जो कि तुम यहाँ पे जूम करके देख ही सकती हो, तो भाई काफ़ी बढ़िया लगा। और तो मतलब थोड़ी कुछ डिटेलिंग में भी काम किया गया है। अब ये फिल्म कहाँ पे टेक प्लेस करती है मार्वल में वो देखने जैसा होगा, कौन सी टाइमलाइन में टेक प्लेस करती है वो भी देखने जैसा होगा। बाकी मुझे ये टीजर काफ़ी बढ़िया लगा, मतलब इतना भी बढ़िया नहीं लेकिन हाँ एवरेज से तो ऊपर ही कहूँगा, लेकिन इसके एक्शन सीक्वेंसेस की बात कर लो या फिर इसकी सिनेमाटोग्राफी तो काफ़ी मतलब मार्वल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई मतलब फिल्म कितनी बढ़िया हो सकती है, इसके सीजी वीएफएक्स को लेकर कोई मतलब प्रॉब्लम है ही नहीं। ऑफकोर्स मतलब फिल्म मुझे काफ़ी बढ़िया तो नहीं लेकिन हाँ अच्छी खासी दिख रही है, ये एक न्यू एवेंजर्स टीम है इसे पकड़ के चल लो फिलहाल के लिए। हाँ अगर तुम्हें कोई ब्लेड का आता पता है तो फिर मुझे आता है कमेंट्स में जरूर बता देना, क्योंकि भाई बंदा तो भाई मार्शल अली जो कि भाई हमारी जुरासिक वर्ल्ड कर रहा है, जुरासिक पार्क जो भी कुछ है। खैर मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहता। बाकी मैं टीजर काफ़ी बढ़िया था, मतलब इतना भी नहीं लेकिन जैसे मैंने कहा एवरेज के ऊपर ही, ठीक है। जैसे जैसे मुझे लगता है फिल्म की डेट आती रहेगी यानी कि मई 2025 जो भी कुछ है, अप्रैल मई 2025, क्योंकि जैसे जैसे आती रहेगी तो एक अच्छे खासे पोस्टर जो कि एक ऑफिशियल अनाउंस तो आज कर ही दिया पोस्टर, लेकिन साथ ही साथ एक ट्रेलर भी आएगा, दूसरा ट्रेलर भी आएगा, आई थिंक मतलब आते रहेंगे, एक दो ट्रेलर आएंगे, टीवी स्पॉट्स आएंगे वगैरह वगैरह, आधी फिल्म यूट्यूब पे आ जाएगी वगैरह वगैरह चीज़ें। मार्वल है, आधी फिल्म यूट्यूब पे आना जायज है, ठीक है। खैर मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहता क्योंकि भाई मार्वल है क्या ही कर सकते, टीवी स्पॉट अगर ना रिलीज करे तो अच्छी बात हो जाएगी। बाकी तुम तुम्हारे ओपिनियंस बताओ मुझे कमेंट्स में, तुम्हारी क्या थॉट्स विचार है इस फिल्म के बारे में, कितने एक्सपेक्टेशंस लगाते हो, और मार्वल सेंट्री से कोई खिलवाड़ मत करना, बस यही कहना चाहूंगा, बस ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, बस हमारे दिल को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, बस इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी अगर इस चैनल पे नए हो तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर दूसरा जो ट्रेलर आएगा ना उसमें भी सेंटर का लुक ही रिवील नहीं किया जाएगा, सिर्फ बंदे को नॉर्मल कपड़े में दिखा के छोड़ दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।